सूरदास जी का पद क्रमांक 10। इस पद में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण ब्रह्म यानी कृष्ण रूप में सगुण भक्ति उपासना का मंडन किया है। पहले पढ़ते हैं कविता को, पद को। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सौहदे, बूझत साच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरण भेष है कैसो, किह रस के अभिलाषी, पावे गोपुन कियो आपने, जोर करे गो गासी, सुनत मैन हो रहो बावरो, सूर सभय मत नासी। गोपिया उदय से कह रही है कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आप उपदेश दे रहे हैं, वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है, कहाँ निवास करता है। गोपिया कहती है कि हे मधुकर, उद्धव जी के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग करती है, हे उद्धव, हे मधुकर, आपको शपथ है कि आप मुझे ठीक प्रकार से अच्छे प्रकार से समझा दे कि निर्गुण किस देश का वासी है, किस देश में निवास करता है। हम आपसे बूझत सांच माने हम सत्य बात आपसे पूछते हैं, कोई न हासी, हासी माने हंसी मजाक, हम हंसी मजाक नहीं कर रही है, हम सत्य बात पूछते हैं। बूझत सांच न हासी, इसमें कोई हम हंसी मजाक नहीं कर रहे, सत्य रूप में पूछ रही है कि आपको शपथ है कि मुझे बता दो कि निर्गुण किस देश में रहता है, निर्गुण ब्रह्म कहाँ निवास करता है। को है जनक, उसका पिता कौन है, जनक माने पिता, निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसका पारिवारिक परिचय क्या है, को दासी, उसकी कोई दासी भी है क्या, उसकी कोई नौकरानी भी है क्या, उस नौकरानी को भी बता दो, कैसो वर्ण, वर्ण माने वर्ण, वर्ण शब्द को ही इसका शुद्ध शब्द है वर्ण, और तद्भव शब्द है वर्ण, वर्ण वर्ण यानी वर्ण माने रंग, उसका रंग कैसा है, निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, वेश है कैसा है, उसका वेश कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, वह क्या पहनता है, किह रस के अभिलाषी, वह किस रस का अभिलाषी है, अभिलाषी माने इच्छा करने वाला अभिलाषी। अभिलाषी माने इच्छा करने वाला, तो कैसे वरण वेश है कैसो, किह रस के अभिलाषी, वह किस रस का, किस आनंद का इच्छा करने वाला है, किस रस का इच्छुक है, पावे वो पुन कियो आपनो, जोर करो गो हासी, हे उद्धव जी, अगर आप कोई गासी माने आप कोई छल कपट करते हैं, हमसे छल करते हैं, तो आप अपने किए का फल अवश्य पावेगा, पावे वो पुन कियो आपनो, जोर करो गो गासी, अगर आप हम लोगों से छल करेंगे, हम गोपियों से छल करेंगे, तो इसका किया हुआ आपको अवश्य मिलेगा। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सभय मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तीखे प्रश्न सुन करके, सारी गोपियों के तीखे प्रश्न सुन करके उद्धव जी बिल्कुल मौन हो जाते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उनका सारा गर्व, उनका सारा अहंकार, जो ज्ञान का अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले यहां देखेंगे, यहां सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन किया है और गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा विचार इस पद में है। भाषा की दृष्टि से आप देखेंगे यहां पर जो भाषा है, पद की भाषा है, एक सभी पदों की भाषा में सरस ब्रज भाषा शैली मुक्तक है, शब्द शक्ति अभिधा के साथ व्यंजना, रस शांत छंद गेय पद जो वाद्य यंत्रों के साथ गाए जा सकते हैं, गुण माधुरी, माधुरी माने मधुरता का गुण, और अलंकार में अनुप्रास और अनुक्ति अलंकार है। यहाँ अनुप्रास अलंकार कहाँ है देखेंगे, नीचे के अंत से दूसरी पंक्ति में देखेंगे, पावे गो पुनि, पवर्ण की आवृत हुई है, पावे गो पुनि की आपनों में, पावे गो पुनि पवर्ण की आवृत हुई है, और
ऊपर से दूसरी पंक्ति में देखिए समझाई सौहदे मधुकर कही समझाई सौहदे, तो समझाई सौ इसमें सवर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और शब्द है यहाँ पर मधुकर, मधुकर शब्द जो है युद्धों के लिए गोपियों का एक संबोधन है, ये व्यंग पूर्व संबोधन, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति माने बात उद्धव के लिए बात कह रही है, उद्धव के लिए गोपियां मधुकर शब्द का प्रयोग, लेकिन वो मधुकर कह रही है उन्हें, मधुकर का मतलब होता है भौरे, माने उद्धव के लिए भौरे का संबोधन किया गया है, मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। सूरदास जी का पद क्रमांक 11वां अंतिम पद है सूरदास जी का, जो आपके पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक में है। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो, हों तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो, जतप टेव तुम जानत उनकी तऊ मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, तेल उबटनो और तातो जल ताहे देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुन मौन रहे दिन बढ़ो रहुत उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन वह करत सको। तो इस पद में माता यशोदा के हृदय में, माता यशोदा के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव है उसका सुंदर चित्रण किया गया है। माता यशोदा के मन में कृष्ण के प्रति कितना उदात्त वात्सल्य की भावना है इसका इसमें वर्णन है। माता यशोदा कहती है उद्धव से, हे उद्धव जी मेरा एक छोटा सा संदेश आप जो है देवकी से कहना, देवकी के लिए एक छोटा सा संदेश उद्धव के द्वारा माता यशोदा भेज रही है। संदेशो देवकी से कहियो, उद्धव जी के माता यशोदा कह रही है कि हे उद्धव जी मेरा एक संदेश देवकी से कहना। क्या संदेश है कि हों तो धाई तो तिहारे सुत की मया करत ही रही हो का मतलब मैं, ब्रजभाषा का शब्द है हो माने मैं, तो हो तो धाई, धाई माने पालन पोषण करने वाली माता, धाई भी कहते धाई, हो तो धाई, पालन पोषण, पालन पोषण करने वाली पालन पोषण करने वाली माँ उसको धाय बोलते हैं, उसका शुद्ध रूप धाय भी होता है, धाय जैसे पन्ना धाय आपने सुना होगा, पन्ना धाय। तो हों तो धाय तिहारे सुत, सुत माने पुत्र, सुत का मतलब क्या होता है पुत्र, सुत माने पुत्र। तो माता यशोदा उद्धव जी से करे कि हे उद्धव जी संदेश देना देवकी के लिए कि हों तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माता थी, मया करत ही रही हो आप मुझ पर बहुत ही, मया मतलब कृपा, कृपा करते रहना मुझ पर, कृपा करते रहना, जद्यप टेव जो तुम जानत उनकी, जद्यप तुम माने यशोदा के लिए करें कि जद्यप हे यशोदा देवकी के लिए यशोदा करें कि हे हे देवकी, जद्यप करके तुम उनकी टेव, टेव माने जो आदत होती है, टेव टेव का मतलब आदत, माता यशोदा उद्धव जी से कह रही है कि हे उद्धव जी कहना देवकी से कि यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, जबकि तुम उनकी आदत को यानी श्री कृष्ण की आदत से भली भांति परिचित हो, उनकी आदत अच्छी प्रकार से जानती हो, तब मोह कही आवे, तब मैंने फिर भी मैं उनकी कुछ बातों को बता रही हूँ, उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं, प्रात होते मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे, प्रातः होते ही सुबह सुबह ही मेरे प्यारे
श्री कृष्ण को माखन और रोटी अच्छी लगती है, वह खाने के लिए माखन और रोटी मांगते हैं, उनकी पहली आदत है। तेल उबटनो और उता तो जल ताहि देखि भरि जाते, तेल उबटन जो शरीर की शरीर पर मालिश करने के लिए जो लगाया जाता है, जो लेप होता है उसे उबटन कहते हैं, जो सरसों का भी बनता है और भी बाजार में अनेक प्रकार के उबटन अब तो आने लगे हैं। तो तेल उबटन और तातो जल माने गर्म जल, तात का मतलब गर्म, गर्म जल ताहि देखि भरि जाते, उसको देख करके वो भाग जाते हैं, माने वह जल से नहाना नहीं चाहते है, तेल उबटन भी उनको नहीं लगाना चाहते है, उनको देख करके भाग जाते हैं, फिर भी उनको जो है पास में बुला करके प्रेम से उन्हें तेल उबटन लगाना पड़ता है और जल से नहलाना पड़ता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, जोई जोई मांगत वह जो जो मांगते हैं, कभी तेल मांगते हैं तो कभी उबटन मांगते हैं, फिर कभी गर्म जल मांगते हैं, तो जोई जोई मांगत जो जो वह मांगते हैं सोई सोई देती, उसे मैं उन्हें देती हूँ, और क्रम क्रम करके और धीरे धीरे करके वो स्नान करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रैनि दिन बढ़ो रहत गुरु सोच, माता यशोदा कह रही है उद्धव से कि हे पथिक, पथिक माने यात्री, जो संदेश देने के लिए आए हैं और संदेश लेकर के जाएंगे, तो आने जाने वाले लोग पथिक कहलाते हैं, पथिक माने राही। तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही है कि हे पथिक, हे यात्री यानी उद्धव जी, सुनो मोहि रैन दिन, मुझे दिन रात, रैन माने रात, दिन माने दिन, रात दिन बढ़ो रहत उर सोच, उर माने हृदय, उर का मतलब हृदय, उर माने हृदय, तो माता यशोदा कह रही है उद्धव जी से, हे पथिक हे यात्री, उद्धव जी सुनिए, मुझे दिन रात, रैन दिन, दिन रात हमारे हृदय में यही सोच बढ़ा रहता है कि मेरे अलग लड़े तो मेरे प्यारे लाडले मोहन यानी श्री कृष्ण वह कर सकोच, संकोच कर रहे होंगे और अपने मन के माफिक, मन के मुताबिक कोई चीज नहीं मांग रहे होंगे, तो जब नहीं मांगते हैं फिर भी उनको आप माखन रोटी देना और तेल उबटन ला करके उन्हें देना और क्रम क्रम करके धीरे धीरे उनको स्नान कराना। अब जो है आगे इस कविता का काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में जो पहला बिंदु है, यहाँ पर इस कविता में श्री कृष्ण जी के प्रति माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य भाव का, वात्सल्य भाव की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, माने माता यशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भावना को व्यक्त किया गया है। भाषा है वही सरल ब्रजभाषा शैली मुक्त, शब्द शक्ति इसमें केवल अभिधा है, रस रस में यहाँ पर है वात्सल्य रस, वात्सल्य में जहां पर एक माता और पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है वहां वात्सल्य रस होता है, तो रस में वात्सल्य रस, छंद वही गेय पद है जो सभी पदों में है, गुण माधुर्य है, अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दो अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ पर है इसको आप देखेंगे, यहाँ चौथी पंक्ति में है लाल लड़ाईते, इन दो पदों में लव वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और ऐसे ही जोई जोई ये नीचे से तीसरी पंक्ति में देखेंगे जोई जोई, ये जोई शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, जोई जोई आगे है सोई सोई, और ऐसे ही क्रम क्रम इन पदों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।